बदहाल सिस्टम ने छीना एक बेटी के सर से उसके पिता का साया। बेटी का स्वास्थ्य मंत्री से सवाल, क्या लौटा सकते हैं मेरे पिता को? नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची के सदर अस्पताल में बीते दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर दिया। लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिस दृश्य ने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। हुआ कुछ यूं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची के सदर अस्पताल में कोविड 19 की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दौरान एम्बुलेंस में डॉक्टर के इंतज़ार में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजन घंटों तक डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे, पर ना कोई डॉक्टर आया, ना ही उन्हें बेड उपलब्ध कराया गया, जिस कारण से मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। उसी दौरान मृतक के परिजनों की नज़र स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर पड़ी। फिर क्या था, पूरा का पूरा गुस्सा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ही फूट पड़ा। मृतक की बेटी ने रोते रोते चिल्लाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि क्या स्वास्थ्य मंत्री उसके पिता को वापस लौटा सकते हैं, या ये बदहाल सिस्टम क्या उसके पिता को वापस लौटा सकता है। आखिर चुनाव के समय ही नेताओं को जनता के सुख और दुख की याद क्यों आती है? इस पूरी घटना के बाद विधायक चमरन लिंडा ने इस घटना को भयावह बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड 19 को लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री से अपील है कि मुख्यमंत्री इस स्थिति को गंभीरता से लें। झारखंड में कोविड 19 की दूसरी लहर ने तबाही मचा कर रखी है। जहां एक ओर हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की कमी हो रही है। कोविड 19 से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ कोविड 19 से मरने वाले लोगों के शव का प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है, और इस बीच सरकार आराम से सो रही है। मुख्यमंत्री जी, प्लीज़ जागिए और देखिए कि जिस जनता ने आपको वोट देकर अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी थी, उसकी क्या स्थिति है। जिन परिजनों ने अपने प्रियजनों को बदहाल सिस्टम के वजह से खोया है, उनके प्रति तो आपकी जवाबदेही बनती ही है। जब जनता कोविड 19 से त्राही त्राही कर रही है, उस समय बेहतर होगा कि सरकार राजनीति राजनीति का खेल ना खेले। ज़रूरत है कि कोविड 19 को लेकर सख्त कदम उठाए जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और कोविड 19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब समय आ गया है कि इस महामारी के दौर में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए जनता के साथ खड़ी नजर आए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ।
धन्यवाद।